हे गाइस, कल था करण जोहर के प्रोडक्शन वेंचर का कलंक का टीज़र, जिसमें सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस मूवी के कास्ट में आए थे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने. एट देन इवेंट माधुरी दीक्षित स्पोक अबाउट हर रीयूनाइटिंग विद संजय दत्त टेकिंग अप अ रोल ऑफ बहार बेगम. उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंसेस. उन्होंने ये बोला दैट शी हैड अ वेरी हैवी हार्ट ऑल थ्रू आउट ड्यूरिंग द शूट्स. अब ऐसा क्यों तो बताते हैं. शी सैड शी वॉज वेरी सैड विथ हर डेथ, क्योंकि ये रोल जो बहार बेगम का है वो एक्चुअली श्रीदेवी को मिलने वाला था, बट उनकी डेथ के बाद दे वर अप्रोच्ड माधुरी दीक्षित. She said, to step in her role was difficult as I knew that she was going to do it and I would miss her. But then as an actor, I had to go past that. I will always, always miss her terribly. उनका कहना था कि during her shoots, उनको off and on उनकी बहुत याद आती थी. माधुरी दीक्षित ने previously संजीला बंसाली की epic period drama देवदास में काम किया है and ऐसा ही कुछ कलंक भी है. So for her, it was like a similar thing. उनका ये कहना था वर्किंग विद अभिषेक वॉज रियली रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. उसको प्लीज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हर जर्नी हैज़ बीन रियली ब्यूटिफुल. एंड वर्किंग विद संजय दत्त, उन्होंने बताया क्योंकि वो 20 साल बाद संजय के साथ काम कर रही है, उनको अच्छा लगा. कहा जाता है दैट माधुरी दीक्षित एंड संजय दत्त एक्चुअली डेटेड, बट आफ्टर द 1992 केस दे ब्रोक अप एंड उनकी शादी हो गई डॉक्टर नीने से. अभिषेक वर्मा डायरेक्टोरियल April 15 को रिलीज होने वाली एंड वी आर रियली एक्साइटेड.